एक्सरे जनरेट करते हैं, वही एक एक्सरे प्राइमरी फिल्टर के द्वारा सैंपल के ऊपर बम्बार्ड होते हैं, और वहीं से फिर सेकेंडरी एक्सरे जनरेट होते हैं, और सेकेंडरी एक्सरे जो है वो सैंपल के एक्साइटेशन की वजह से जनरेट होते हैं, और वो जो सेकेंडरी एक्सरेज होते हैं वो हम लोग डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं, जो डिटेक्टर हम लोगों को एनर्जी और कंपोजिशन प्रोवाइड करता है। दीज आर द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ एक्सरे। द मेन कॉम्पोनेंट इज द एक्सरे ट्यूब विच जनरेट्स द एक्सरे फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द एटम। द एक्सरे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ हीटेड कैथोड वेयर वी आर प्रोवाइडिंग 50 kV टू जनरेट द इलेक्ट्रॉन एंड अ मेटालिक एनोड फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड। सो दिस हीटेड कैथोड ऑटोमेटिकली जनरेट आफ्टर गिविंग प्री डिफाइंड वोल्टेज द कैथोड इज जनरेटिंग द इलेक्ट्रॉन विच इज देन एक्सेलरेटेड एंड बम्बार्डेड एंड गिवन आउट फ्रॉम द एनोड। द एनोड मटेरियल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन। द एनोड मटेरियल इज डिपॉजिटेड, दैट इज द मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द एनोड। सो द नेक्स्ट पार्ट इज द प्राइमरी फिल्टर। द प्राइमरी फिल्टर्स आर जनरली यूज टू रिमूव द अनवॉन्टेड सिग्नल दैट इज जनरेटेड इन द प्राइमरी एक्स रेडिएशंस। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द शटर यूनिट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द एक्सरे इंस्ट्रूमेंट। एज यू नो द एक्सरेज आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी एंड कंटिन्यूस रेडिएशन टू द ह्यूमन बॉडी मे लीड टू कैंसर। ओके सो वेन द इंस्ट्रूमेंट इज एन मेजरमेंट मोड देन एंड देन ओनली वी रिक्वायर दिस एक्सरेज टू बी बम्बार्डेड ऑन द सैम्पल। सो वेन द एक्सरेज आर जनरेटेड द शटर यूनिट ब्लॉक्स द एक्सरे रेडिएशन टू द सैम्पल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो वेन वी स्टार्ट द मेजरमेंट एट दैट टाइम ओनली द शटर यूनिट स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन एंड द एक्स रेडिएशन आर बम्बार्डेड ऑन द सैम्पल। The next component is the video camera and mirror. The video camera gives us the image of the sample that has to be measured, and the mirror is fixed in a 45 degree angle that in between the camera and the sample. The sample image is get on the mirror and then reflected to the camera. Okay. Yeah. So basically, I'm moving to the Hindi part of the total presentation now. So the basic components will start with the X-ray tube itself. I'm going back. Okay. तो ये बेसिकली एक्सरे ट्यूब का कंस्ट्रक्शन है जो हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं। द एक्सरे रेडिएशन जनरेट होती है एक्सरे ट्यूब से, जहाँ पे हम लोग हीटेड कैथोड यूज करते हैं और उसको 50 kV हाई वोल्टेज दिया जाता है, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं एंड और वो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करने के लिए एनोड का प्रोविजन होता है। एनोड एंड और कैथोड में 50 kV देते हैं, उसकी वजह से ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेट होते हैं और वहाँ से एक्सरे निकलना शुरू होता है। आगे है प्राइमरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर का यूज इसलिए होता है कि जो प्राइमरी एक्सरे जनरेट होते हैं वहाँ से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे जनरेट होते हैं जिनकी हम लोगों को जरूरत नहीं होती है, तो वो जो अनवांटेड सिग्नल रहते हैं उन लोगों को निकालने के लिए प्राइमरी फिल्टर्स यूज करते हैं। हमारे मशीन में 6 टाइप्स के प्राइमरी फिल्टर्स यूज होते हैं, जिनमें से मुख्य है निकेल फिल्टर, देन मॉलिब्डेनम फिल्टर, देन एल्यूमिनियम फिल्टर। मोस्टली गोल्ड एप्लीकेशंस के लिए एल्यूमिनियम फिल्टर सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगला पार्ट है शटर यूनिट। शटर जैसे आप लोगों को पता है कि एक्सरे जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए
घातक रहते हैं, उसकी वजह से होता कैंसर होने के बहुत से चांसेस होते हैं। तो जब भी हम मेजरमेंट करना चाहते हैं उसी टाइम पे हम लोगों को एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक्सरे ब्लॉक करने के लिए हम लोगों को शटर यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। ये शटर यूनिट जब भी हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं उसी टाइम पे ओपन होता है और अपने आप बंद हो जाता है जब भी हम लोग मेजरमेंट स्टॉप करते हैं, या फिर मेजरमेंट अपने आप स्टॉप होने के हो जाने के बाद शटर यूनिट अपने आप बंद हो जाता है। जैसे अगर मेजरमेंट चालू होते हैं उस केस में हम लोग अगर डोर ओपन करते हैं उस केस में भी शटर अपने आप बंद हो जाता है और एक्सरे रेडिएशन बंद हो जाता है जो सैंपल तक नहीं पहुंचती है। अगला कंपोनेंट है वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा हम लोगों को जो मेजरमेंट सैंपल होता है उसकी एक्चुअल इमेज प्रोवाइड करता है, और वीडियो कैमरा और वीडियो कैमरा और सैंपल के बीच में एक मिरर प्लेस्ड होता है जो 45 डिग्री एंगल से फिक्स्ड होता है। सैंपल की इमेज मिरर पे आती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होते हम लोगों को कैमरे में उसकी इमेज मिलती रहती है। आगे का कंपोनेंट है कोलिमीटर। कोलिमीटर इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इन कोलिमीटर जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक्सरे इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि जो सैंपल के ऊपर स्पॉट आता है एक्सरे का वो डिपेंड करता है आपके कॉलीमीटर के ऊपर। कॉलीमीटर अलग अलग टाइप के होते हैं, उस पर भी अलग अलग टाइप मीन्स अलग अलग साइज के होते हैं। जनरली गोल्ड एप्लीकेशंस में 0.2 mm, 0.6 mm, देन 1 mm एंड 2 mm का कॉलीमीटर यूज़ होते हैं, और सिंगल कॉलीमीटर सिस्टम जब अवेलेबल होती है उस केस में 0.3 mm, 0.6 mm एंड 1 mm के कॉलीमीटर अवेलेबल होते हैं। आप इमेजेस भी देख सकते हैं जहाँ पे एक्चुअल जो यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो पिक्चर्स यहाँ पे आपके लिए दिखाई गई है। देन डिटेक्टर, द हार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द डिटेक्टर सिस्टम। जो हम लोग बोलते हैं कि डिटेक्टर इज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। डिटेक्टर के ऊपर आपके इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन डिपेंड होता है। तो हम लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर तीन टाइप के डिटेक्टर्स यूज होते हैं। पहला है प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर, दूसरा है सिलिकॉन पिन डिटेक्टर एंड तीसरा है सिलिकॉन ट्रिप डिटेक्टर। जो प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर होता है वो जनरल एप्लीकेशंस के लिए सिंपल मेजरिंग टास्क जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं वहीं पे यूज होता है। सिलिकॉन पिन डिटेक्टर जो है ये मिड रेंज डिटेक्टर है जहाँ पे एक्यूरेसी की जरूरत है लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन का जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा लोअर साइड में भी नहीं है, वहाँ पे हम लोग सिलिकॉन पिन डायोड डिटेक्टर यूज़ करते हैं। एंड सिलिकॉन ट्रिप डिटेक्टर ये जो है ये सबसे एडवांस डिटेक्टर है जहाँ पे ट्रेस एनालिसिस 10 ppm तक के एनालिसिस की मेजरमेंट जहाँ पे करनी होती है वहाँ पे सिलिकॉन ट्रिप डिटेक्टर जनरली यूज होता है। हम लोग अभी डिफरेंस देखते हैं तीन टाइप के डिटेक्टर्स के अंदर। प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर सबसे सस्ता होता है और सिलिकॉन ट्रिप डिटेक्टर सबसे ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन रिजोल्यूशन वाइज रिजोल्यूशन इज नथिंग बट द सेपरेशन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द मटेरियल दैट हैज़ टू बी टेस्टेड। जो रिजोल्यूशन होता है उसमें से हम लोग जो मटेरियल एनालाइज करते हैं या फिर जिसको मेजर करना चाहते हैं उसमें से जो मटेरियल अवेलेबल होते हैं उनको सेपरेट करना, उसी को हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो प्रोफेशनल काउंटर में जो रिजोल्यूशन होता है वो सबसे कम होता है, पिन डायोड में मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं, और सिलिकॉन ट्रिप डिटेक्टर ये कैपेबल होता है हर टाइप का एलिमेंट सेपरेट करने में। एक्टिव एरिया, एक्टिव एरिया इज नथिंग बट द सैम्पल एरिया डिटेक्टर एरिया वेयर एग्जैक्ट सेकेंडरी एक्सरेस आर मेजर्ड। सो एक्टिव एरिया होता है वो जो एरिया है डिटेक्टर का जहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी एक्सरे जो होते हैं वो गिरते हैं और वहीं से हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो है ओपनिंग होती है डिटेक्टर की जहाँ पे हम लोग एक्चुअल मेजरमेंट करते हैं सेकेंडरी एक्सरेज की। तो प्रोपोर्शनल काउंटर में उसका जो एरिया होता है वो अच्छा होता है, देन पिन डायोड डिटेक्टर में उसका एरिया बहुत कम होता है और SDD में 50 mm² तक एरिया अवेलेबल हो जाता है। काउंट रेट हम लोग देखते हैं तो काउंट रेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट। एक्चुअली काउंट रेट इज नथिंग बट द इंटेंसिटी दैट इज टू बी दैट हैज़ टू बी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर्स। ओके,
सो बेसिकली जो एटम्स अवेलेबल होते हैं उनकी जो काउंट होती है वही से हम लोग काउंट रेट मिलता है, उसी के ऊपर हम लोगों की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा काउंट रेट रहेगा उतने आपके इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी एंड प्रिसीजन अच्छा होता है। तो प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर में इसका जो काउंट रेट है या फिर इंटेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं वो सबसे कम होती है। यहाँ पे मैक्सिमम 5,000 to 6,000 काउंट्स हम लोगों को मिलते हैं। पिन डायोड डिटेक्टर में भी हम लोगों को मॉडरेट काउंट रेट मिल जाता है, जहाँ पे हम लोग 15,000 इंटेंसिटी मिल जाती है। एचडीडी डिटेक्टर जो है वो बहुत ही एडवांस डिटेक्टर है, यहाँ पे आपका काउंट रेट 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग एचडीडी सिलिकॉन ड्रिप डिटेक्टर जो है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन मेजरमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इंस्ट्रूमेंट। वेन एवर यू कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट एंड देर इज अ चेंज इन द रिजल्ट, देन देर इज नो यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दैट्स वाई स्टेबिलिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो इन प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर यू हैव टू डेली मॉनिटर द इंस्ट्रूमेंट फॉर द रिजल्ट। इफ यू डू नॉट वार्म अप और डू नॉट चेक द इंस्ट्रूमेंट, देर माइट पॉसिबिलिटी दैट द रिजल्ट मे गो रॉन्ग। सो स्टेबिलिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोफेशनल काउंटर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, जहाँ पे हम लोगों को डेली मॉनिटरिंग करना पड़ता है। वही हम लोग पिन डायोड डिटेक्टर या फिर एचडीडी में देखेंगे तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को जस्ट वार्म अप करने के बाद कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट महीनों तक तो ठीक से चलती रहती है। ROHS एंड ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस, दिस इज नथिंग बट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन हजार्डस सब्सटेंस दैट इज एक्सपोर्टिंग एटम्स। जब हम लोग करते आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं उस केसेस में जो बैंड आइटम्स है जैसे कैडमियम देन लेड इस टाइप के जो मटेरियल्स है वो मेजर करने की क्षमता जिस मशीन में रहते हैं उन लोगों को ROHS कंप्लायंस बोलते हैं। तो बेसिकली जो SDD डिटेक्टर एंड पिन डायोड डिटेक्टर्स होते हैं उन्हीं में कैपेसिटी होती है कि वो ट्रेस एलिमेंट एनालिसिस कर पाएंगे। प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर जो होता है उसमें इसकी कैपेसिटी या फिर वो इस लेवल तक डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रीसियस मेटल एनालिसिस में हम लोग प्रोपोर्शनल काउंटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, बट वो सिर्फ हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए, दैट इज़ अबो 100 to 500 PPM लेवल के ऊपर अगर आपका एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उसी केस में हम लोग प्रोपोर्शनल काउंटर यूज़ कर सकते हैं। पिन डायोड एंड SDD डिटेक्टर्स आर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर प्रेशियस मेटल एनालिसिस। सो दिस इज द बेसिकली द पीरियोडिक सिस्टम वेयर वी कैन मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूजिंग प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर, सेमी कंडक्टर डिटेक्टर एंड SDD डिटेक्टर। सो जनरली द एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एटमिक नंबर 20 कैन बी मेजर्ड यूजिंग द प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर। देन द एलिमेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम टू यूरेनियम वी कैन डिटेक्ट द एलिमेंट्स यूजिंग द सिलिकॉन पिन डिटेक्टर एंड SDD डिटेक्टर। एंड इफ द इंस्ट्रूमेंट इज इक्विप्ड विथ वैक्यूम वैक्यूम टेक्निक, द सैम्पल इज पुट केप्ड इन अ वैक्यूम, then we can go up to the sodium material that can be analyzed using the SDD detector. तो basically ये है periodic table जहाँ पे हम लोगों को कौन सा element major होता है, कहाँ से start होता है, वही वो हम लोगों को यहाँ पे information दी गई है। तो proportional counter जो detector है वो atomic number 20 से 20 से चालू होता है। इसमें aluminium, silicon या फिर phosphorus वगैरह measurement करने की capacity होती नहीं है। तो SDD डिटेक्टर जो होता है वो हम लोगों को एल्यूमिनियम से स्टार्ट होके सिलिकॉन देन फॉस्फोरस सल्फर वगैरह का एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। देन SDD डिटेक्टर अगर कोई सैंपल वैक्यूम में रखने रखने के बाद अगर SDD डिटेक्टर से मेजर होता है तो वो उसकी कैपेसिटी कम होके सोडियम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। So this is basically a technical difference between the detectors. So you can see the proportional counter detector having a maximum resolution that is 900 electron volt for a manganese K alpha line, while the silicon pin detector is having a resolution of 180 electron volt and SDD is having less than 140 255 electron volt. Now the detectors available in SDD are having a resolution of
लोअर टू 120 इलेक्ट्रॉन होल्ड। सो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जो FWHM वैल्यू या फिर हम लोग जो रिजोल्यूशन बोलते हैं, ये तीन डिटेक्टर के लिए दिया गया है, जहाँ पे प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर जो होता है उसका रिजोल्यूशन 900 इलेक्ट्रॉन होल्ट होता है। बेसिकली जो FWHM या फिर जो हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं, दैट इज वो है जो एलिमेंट्स अपने मटेरियल में अवेलेबल है उनको सेपरेट करने की क्षमता में। सिलिकॉन पिन डिटेक्टर जो है उसका जो FWHM या फिर रिजोल्यूशन बोलेंगे वो है 180 इलेक्ट्रॉन होल्ड्स, वाइल SDD डिटेक्टर का 120 तक भी कम SDD रिजोल्यूशन अवेलेबल हो सकता है। एक्टिव एरिया की अगर बात करेंगे तो प्रोफेशनल काउंटर डिटेक्टर में हम लोगों को 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्टिव एरिया मिल जाता है। सिलिकॉन पिन डिटेक्टर में एक्टिव एरिया इज 5 to 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर इन प्रोफेशनल काउंटर। देन सिलिकॉन पिन में हम लोगों को 5 से 25 मिलीमीटर स्क्वायर एक्टिव एरिया मिलता है। एवन SDD डिटेक्टर में हम लोगों को जनरली 5 से 50 मिलीमीटर स्क्वायर डिटेक्शन एरिया मिल जाता है। हर डिटेक्टर के ऊपर एक बेरिलियम विंडो लगाई होती है, जहाँ से हम लोगों के सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन पास होके डिटेक्टर के अंदर जाते हैं, जो यहाँ पे एक्चुअल डिटेक्शन यूनिट प्लेस किया होता है। तो एंट्रेंस विंडो की जो विड्थ होती है वो भी डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी लिमिट करने में। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल काउंटर जो होता है उसकी जो एंट्रेंस विंडो होती है वो 125 माइक्रोमीटर बेरिलियम की अवेलेबल होती है। इसलिए जो बेरिलियम होता है वो हार्मफुल होता है या फिर पॉइजनस होता है, इसलिए इस विंडो को कभी टच करना फिजिबल नहीं होता है। देन सिलिकॉन पिन डिटेक्टर की अगर बात करेंगे तो उसमें हम लोगों को 25 माइक्रोमीटर का बेरिलियम विंडो अवेलेबल होता है, एंड SDD डिटेक्टर में 10 माइक्रोमीटर की बेरिलियम विंडो होती है, जिससे हम लोगों को मैक्सिमम काउंट रेट मिल जाता है। अगर काउंट रेट का डिफरेंस अगर देखेंगे तो प्रोफेशनल काउंटर डिटेक्टर में हम लोगों को 10,000 तक काउंट रेट मिलता है। अगर प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो वो 8,000 तक ही मैक्सिमम जा सकता है। सिलिकॉन पिन डिटेक्टर में अगर देखेंगे तो 30,000 काउंट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। एंड SDD की अगर बात करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे 3 लाख से 12 लाख तक काउंट रेट मिल सकता है। जो रिसेंट नए डिटेक्टर्स आए हैं उनमें हम लोगों को मैक्सिमम 12 लैक्स तक भी इंटेंसिटी अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्चुअल कंपैरिजन ऑफ द डिटेक्टर्स, दैट इज मेजर्ड ऑन द सेम सैंपल। एक ही सैंपल मेजर करने के बाद जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है वो आउटपुट हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो गोल्ड का स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे जो रेड स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली वो गोल्ड के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर के इसमें जो प्रोपोर्शनल काउंटर से आया हुआ आउटपुट है, और नीचे का जो आपको स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है वो है आपका सिलिकॉन डायोड या फिर SDD डिटेक्टर का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम है वो ऊपर वाले पिक्चर में आप देखेंगे तो बहुत ही ब्रॉड है, और नीचे वाले इसमें देखेंगे तो वो हर कोई एलिमेंट आपको सेपरेट नज़र आएगा। यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स है। जो येलो कलर दिखाई दे रहा है वो सिल्वर प्रोवाइड करता है, जो यहाँ पे जो रेड कलर है वो गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है, जो ब्लू कलर का स्पेक्ट्रम आपको दिखाई दे रहा है वो कॉपर है, ग्रीन कलर जो है वो जिंक अवेलेबल है, एंड जो येलो कलर में है वो पैलेडियम है, नॉट सिल्वर। सो एनालिसिस आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एनालिसिस में भी डिफरेंस यहाँ पे मिलता है, और एलिमेंट का सेपरेशन जो भी होता है वो भी अलग अलग होता है। Okay, so here you can see actually the spectrum available from proportional counter detector and semiconductor detector, that is silicon pin detector and silicon trip detector, that is the SDD one. So this is on the measured on the same sample, and you can see the red spectrum is for gold material, then the blue one is for copper. Zinc is for green is for the zinc, and yellow is for the palladium one.
So you can see on the bottom side of bottom picture, the elements are very much separated from each other, and that's why we can get a good resolution in silicon detectors. So you can see the concentration range is going below up to 100 ppm in silicon proportional counter detector, while the range comes to 10 ppm in silicon drip detectors. So basically, as per the users are concerned, the proportional counter tube is used for a simple requirement where positive metal identification or just GONO tests are required. Then we can use the proportional counter instrument. If you want a good accuracy and good precision, then it is necessary to use a silicon pin detector or a silicon drip detector. The best precision is achieved using the silicon drip detector. And depending upon the X-ray instrument models and the system, we can get the precision up to 0.5% in the gold analysis. So यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि प्रोपोर्शनल काउंटर डिटेक्टर जो है जनरल एप्लीकेशंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जहाँ पे जो मेजरमेंट रेंज होगी या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होगा वो हम लोग यहाँ पे मेजर कर पाएंगे. और सबसे अच्छा जो प्रिसीजन होता है वो हम लोगों को सिलिकॉन ड्रिप डिटेक्टर से मिलता है, जहाँ पे हम लोग कई सिस्टम्स में जो गोल्ड का एनालिसिस है वो कम से कम 0.05% तक भी एक्यूरेट मिल पाता है. सो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से पैरामीटर्स है जो आपके एक्चुअल मेजरमेंट के ऊपर एफेक्ट करते हैं. तो बेसिकली वो पैरामीटर्स है मेजरिंग डिस्टेंस, जो हम लोगों का सैंपल और जो कॉलीमीटर या फिर हम लोग डिटेक्टर बोलते हैं उसके अंदर जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है. देन कॉलीमीटर आपने देखा कि कॉलीमीटर जो है वो स्पॉट की साइज डिफाइन करता है. मेजरमेंट टाइम, जो एक्चुअल मेजरमेंट टाइम है उसके ऊपर भी हम लोगों की सैंपल की प्रिसीजन डिपेंड करती है. कोटिंग थिकनेस या फिर कोई कोटेड सैंपल हो उसके ऊपर भी आपका जो प्रेसिजन होता है वो डिपेंड करता है. फोकसिंग ऑफ द सैंपल एंड पोजिशनिंग ऑफ द सैंपल, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. दैट फोकसिंग एंड पोजिशनिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जिससे हम लोगों के सैंपल के मेजरमेंट में फ़र्क आ सकता है. सो दीज आर द एक्चुअली पैरामीटर दैट इन्फ्लुएंस द एक्चुअल मेजरमेंट from the XRF unit. That is the measuring. The first one is the measuring distance. The measuring distance is nothing but the distance between the sample and the detector. Second one is the collimator. Collimator defines the sample spot which is available on the sample. Then measuring time. Measuring time also plays an important role in the precision of the measurement. Then coating thickness. If the sample is coated or polished, then that also impacts the measurement results. Focusing and positioning, that also plays a very much important role in the sample measurement system. So we'll check one by one. So the influencing parameter, first one is the measuring distance. So if you check the measuring signal, that is count rate, is approximately depending upon the इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द मेजरिंग डिस्टेंस. दैट इज बेसिकली अगर आपका मेजरिंग डिस्टेंस बढ़ते जाता है उस केस में आपकी इंटेंसिटी या फिर काउंट रेट कम होते जाता है. एंड जैसे ही आपका काउंट रेट कम होना शुरू होगा उस केस में आपकी रिपीटेबिलिटी या फिर प्रेसिजन वो भी कम होता जाएगा. सो मेजरिंग डिस्टेंस जो हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं उस कैलिब्रेशन के नज़दीक ही आपका मेजरिंग या फिर सैम्पल पोजिशनिंग जो होता है वो सैम्पल पोजिशनिंग कैलिब्रेशन जिस मेजरिंग डिस्टेंस पे करते हैं उसी मेजरिंग डिस्टेंस पे आपको सैंपल रखना जरूरी होता है. जनरली फिशर इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग जो डिटेक्टर का या फिर मेजरिंग डिस्टेंस जो होता है वो जीरो पे रखते हैं, और सब सैंपल जो कैलिब्रेट करते हैं या फिर सब सिस्टम जो कैलिब्रेट होती है वो 0 mm पे कैलिब्रेट होती है. इसलिए बेसिकली अगर सैंपल आपको यूज़ करना है तो वो प्रॉपरली फोकस्ड होना चाहिए, और जनरली फ्लैट सैंपल्स पे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. सो मेजरिंग डिस्टेंस हमेशा आपको सेट करना है जो कि नियर टू जीरो होना चाहिए. सो नेक्स्ट पार्ट इज द कॉलीमीटर और मेजरमेंट स्पॉट. बेसिकली यू हैव सीन, आपने देखा कि कॉलीमीटर जो है वो डिपेंड कॉलीमीटर जो है वो मेजरिंग स्पॉट को
मेजरिंग स्पॉट कितना होना चाहिए सैंपल के ऊपर वो बेसिकली लिमिट करता है। तो मेजरिंग स्पॉट को लिमिट करता है, जितना बड़ा मेजरिंग स्पॉट होगा उतनी ज़्यादा आपको इंटेंसिटी मिल सकती है। सो रिकमेंडेशन यही होता है कि आप जो सैंपल मेजर करेंगे वो बड़े से बड़े कॉलीमीटर से आप मेजर करेंगे, जिससे होमोजेनिटी वगैरह का जो इम्पैक्ट होता है वो कम से कम हो। सो बेसिकली द कॉलीमीटर इज डिफाइनिंग द मेजरिंग स्पॉट दैट इज कम ऑन द सैंपल। सो द मेजरिंग इंटेंसिटी, द आउटपुट ऑफ द इंटेंसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द कॉलीमीटर साइज और द मेजरमेंट स्पॉट। सो बिगर द मेजरमेंट स्पॉट हायर इज द इंटेंसिटी एंड हायर द प्रेसिजन। सो इफ द सैम्पल स्पॉट इज हायर और द मेजरिंग स्पॉट इज हायर, देन वी कैन द इन्फ्लुएंस ऑफ द इनहोमोजेनिटीज इन द सैम्पल आर वेरी वेरी लो। दैट्स वाई वी रिकमेंड टू यूज अ हायर कॉलीमीटर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रीसेस मेटल एनालिसिस। सो द थर्ड फैक्टर इज द मेजरिंग टाइम। सो इफ द मेजरिंग टाइम इज लेस, देर इज लेस टाइम गेट टू स्टेबिलाइज द स्पेक्ट्रम, और एंड इफ द स्पेक्ट्रम इज नॉट स्टेबिलाइज देन योर रिजल्ट आर नॉट इन अ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन रेंज। सो द ऑप्टिमम टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द मेजरमेंट। सो रिपीटेबिलिटी एंड प्रिसीजन इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द मेजरमेंट टाइम, दैट इज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मेजरमेंट टाइम। सो समटाइम्स इट इज वेरी मच सीन दैट इफ यू इंक्रीज द मेजरमेंट टाइम देर इज नो एनी इम्पैक्ट ऑन द रिपीटेबिलिटी और प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट दैट वी हैव टेकन ऑन द सैम्पल। दैट्स वाई ऑप्टिमम मेजरमेंट टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेजर द गोल्ड सैम्पल्स और द प्रेशियस मेटल एनालिसिस लाइक सिल्वर एंड प्लेटिनम एनालिसिस। दैट्स वाई जनरली द ऑप्टिमम टाइम फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस सैम्पल्स आर 30 सेकेंड्स टू 120 सेकेंड। जनरली वी रिकमेंड टू यूज 45 सेकेंड्स एज अ मेजरमेंट टाइम फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस गोल्ड सैम्पल्स। So the next parameter is the focusing of the sample. The focusing knob is given to all the instruments where we can change the focusing of the sample. If the sample is not focused properly, then the measuring distance is increased or decreased, but we cannot go below zero. That's why the measuring distance is always on a higher side. So if the sample is defocused, then your measurement distance is higher and you will get a lower intensity, and that directly affect your measurement results. So the instrument should know the detector distance, and it is already calculated and set from the service section of the instrument. And a camera is given to check the focusing of the sample. Whenever you put the sample image is seen in the video window, and you can check the focusing every time whenever the sample is kept on the measuring table. Focusing is done by manually. A knob is given to the instrument where you can rotate the knob and focus the sample properly. सो बेसिकली जो फोकसिंग ऑफ द सैम्पल होता है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से मेजरिंग जो फोकसिंग अगर आपकी प्रॉपर नहीं रहेगी तो मेजरिंग डिस्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है। अगर मेजरिंग डिस्टेंस जब आपका सैम्पल डी फोकस होता है उस केस में आपका सैम्पल का जो मेजरिंग डिस्टेंस होता है वो हमेशा हायर साइड में ही होता है, और जब हायर साइड रहेगा उस केस में आपकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जैसे ही इंटेंसिटी आपको कम मिलेगी उस केस में आपका प्रिसीजन भी कम होना शुरू हो जाता है। सो फोकसिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर केस में। आप सभी सैंपल सैंपल टेबल के ऊपर मेजरमेंट के लिए रखते हैं, उसकी इमेज आपको वीडियो कैमरे में दिखती है, और आपको फोकसिंग नॉब से उसको ऐसी तरह पे एडजस्ट करना है जहाँ पे आपको उसकी इमेज प्रॉपर्ली मिल जाए, और इमेज मिलने के बाद आप मेजरमेंट शुरू कर सकते हैं। सैंपल पोजिशन भी एक इम्पोर्टेंट होती है। अगर सैंपल आपका पोजीशन प्रॉपर नहीं होता है उस केस में भी आपको रिजल्ट्स में फ़र्क आ सकता है। तो जनरली जो गोल्ड
ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं वो इस टाइप में रखने होते हैं कि जहाँ पे जो मेजरमेंट या फिर फोकल स्पॉट या फिर हम लोग जो कॉलीमेटर से जो इमेज कॉलीमेटर से जो एक्स रेडिएशन आते हैं वो कम्प्लीटली सैंपल के ऊपर आने चाहिए। जो सैंपल होता है वो जनरली जो मेजरमेंट स्पॉट होता है उससे 4 गुना बड़ा होना, जो सैंपल सैंपल या जो सैंपल मेजरमेंट का जो सैंपल होता है वो जनरली जो फोकल स्पॉट होता है उससे 4 गुना बड़ा होना चाहिए अगर नॉर्मल मेजरमेंट आपको कर दिए। उस केस में अगर आपके सैंपल्स सिलिंड्रिकल या फिर कोई अलग शेप में हो उस केस में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिटेक्टर की पोजीशन क्या होती है। तो आप दो नंबर का पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे आपको सैंपल दिखाई दे रहा है, तो आपका अगर कोई सिलिंड्रिकल सैंपल होगा उस केस में आपको सैंपल इस तरह से लगाना है कि वो आपके सीधे लाइन में होना चाहिए, जहाँ से डिटेक्टर पे जो सेकेंडरी रेडिएशन्स आएंगे वो पूरे के पूरे डिटेक्टर पे मिल जाएंगे। सो बेसिकली द सैम्पल पोजिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द मेजरमेंट ऑफ द इन रिजल्ट। बेसिकली इफ द सैम्पल इज नॉट प्लेस प्रॉपरली देन द रेडिएशन्स में नॉट कम टू द डिटेक्टर प्रॉपरली एंड द रिजल्ट में फ्लक्चुएट। सो द सैम्पल शुड बी बिगर दैट द कॉलीमीटर और फोकसिंग स्पॉट शुड बी फिल्ड प्रॉपरली। द फ्लैट सैम्पल इज वेरी मच सिंपल टू प्लेस ऑन द टेबल, बट द सिलिंड्रिकल सैम्पल हैज प्रॉपर ओरिएंटेशन इज रिक्वायर्ड, एंड इफ द प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नॉट फॉलोड देन यू मे गेट अ रॉन्ग रिजल्ट इन द ऑन द फ्रॉम द सैम्पल। शैडो इफेक्ट, दिस इज जनरली वेरी लेस फेनोमेना दैट हैपन्स इन द मेजरमेंट सिस्टम। बेसिकली वी आर नॉट जनरली यूजिंग दिस टाइप ऑफ सैम्पल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस इन द सैम्पलिंग सिस्टम। सो बेसिकली दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेयर वी आर मेजरिंग एनी थिकनेस लाइक रोडियम और सिल्वर सैम्पल्स वेयर द शेडो इफेक्ट मे कम इन टू पिक्चर। इफ द सैम्पल इज नॉट प्लेस प्रॉपरली एंड एक्सरेज आर नॉट गोइंग इन टू द डिटेक्टर सिस्टम देन ऑल्सो इट गिवस एरर इन द मेजरमेंट सिस्टम। सो बेसिकली समटाइम्स इट इज मे हैपन दैट ऑल द पैरामीटर्स आर ओके बट स्टिल द रिजल्ट आर गेटिंग सम different as expected. So sometimes what happen, these jewelry items are many times polished or it is coated with a high purity gold or say 24 karat gold. Then it is important to get the analysis. The sample surface should be cleaned properly and sometimes it is necessary to polish the sample also. So grinding of the sample surface is recommended to get a proper analysis on the sample. So again, measuring on a single spot always gives a problem because if the sample is not properly homogeneous, then you have to measure the sample on different position and make the average of the final result. And it is most important that the sample should be properly flat so that we can get a maximum intensity and a good analysis. Generally, what happens the silver whenever you are measuring the silver alloy, then the polishing of the silver samples has been done, and whose case then you will get a higher analysis of silver also. That is also possible while measuring the silver sample. Generally, the whenever we measure the samples, the XRF are measuring the samples on the skin only, and the maximum penetration depth is hardly 6 to 7 micrometer, and that's why if the sample surface is not proper or it is not properly polished, then we can get a wrong result. That is also very much important in measuring the gold samples.
So we'll move to the next one. Now we'll see the actual working on the instrument. So how to switch on the instrument? Generally, what happens, we just not following the proper guidelines for the switching on the instrument. Sometimes we first switch on the instrument, sometimes we just switch on the computer system. But this is the actual procedure how to start the instrument. So first thing, whenever you are going to start the instrument, it is most important that you have to check the voltages or current or electrical lines that is going to the instrument. So if there is any loose connection, that may cause a failure of the instrument. So whenever you are switching on the instrument, please try to check all the cables and connection that is going to the system. And before switching on the instrument, it is important to check the UPS system also. If the UPS system doesn't have proper backup, then also there is a problem that the instrument is suddenly gets off, or the software may corrupt in operation. Okay, so first you have to switch on the power supply unit. There is a small switch provided on the left hand side of the instrument. First switch on the instrument, switch on the small switch. Then the instrument power supply comes powered on. At the front panel of the instrument, a power on off switch is provided. So you have to push the switch once and leave it. Then the instrument will be powered on. After that, you have to switch on the PC and monitor. After the switching on the PC, the Windows will automatically get started. When the Windows is started, you are come on the desktop, and on the desktop there is an icon for the instrument. There are different types of names for the icon that is given as per the instrument model. So you have to double click on the icon that is for the software opening. After double clicking, the WinMDM start window will, or the welcome window will come, and you have to press OK there. And after that, the software will initialize, or the instrument will be start initializing. The software will get started, and the instrument communication is started, and the instrument gets initialized. After that, you have to switch on the HV key. Some of the instrument does not have the HV key, and the HV is directly on. So there are only two types of model, that is XAN310 and XAN315, which doesn't have the HV key. But all other instruments are having HV key, which protects the instrument for the unauthorized operation. So हम लोग अभी देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट का स्विच ऑन प्रोसीजर कैसे होता है. जैसे ही आपको अगर इंस्ट्रूमेंट ऑन करना है, उससे पहले आप लोगों को ये चेक करना इम्पोर्टेंट है कि जो कनेक्शन केबल्स है वो प्रॉपरली है या नहीं, उसमें कोई लूज कनेक्शन या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को वो पहले क्लियर करना है. उसके बाद में आप लोगों को यूपीएस सिस्टम जो होती है वो भी आपको चेक करनी है कि उसमें बैकअप प्रॉपरली दे रहा है या नहीं, उसमें से आउटपुट जो है वो प्रॉपरली आ रहा है या नहीं. उसके बाद में हम लोग स्विच ऑन करेंगे इंस्ट्रूमेंट. मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को एक छोटा सा स्विच दिया होता है पावर ऑन के लिए, जो ऑन करने से हमारा पावर सप्लाई ऑन हो जाता है. उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट के फ्रंट पैनल पे एक पावर ऑन ऑफ स्विच दी गई होती है, जो प्रेस करने के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट भी ऑन हो जाता है. ये ऑन करने के बाद आपको कंप्यूटर और मॉनिटर ऑन करना है. जैसे हम लोग कंप्यूटर ऑन करेंगे, विंडोज सिस्टम जो है वो चालू हो जाएगी. जैसे आप लोग डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे आने के बाद आप लोगों को एक विन एफटीएम का आइकॉन दिया होता है, जिसको डबल क्लिक करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर हरकत में आ जाता है. विन एफटीएम पे डबल क्लिक करने के बाद आपको एक वेलकम विंडो आती है. वो वेलकम विंडो जो है आपको आपके इंस्ट्रूमेंट का मॉडल वगैरह बताती है, जहाँ पे एक ओके का सिंबल होता है. ओके करने के बाद इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर, उसके बीच में कम्युनिकेशन चालू हो जाती है. कम्युनिकेशन होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है, जो लास्ट टाइम आपने छोड़ के जाते हैं उस टाइम पे जो प्रोडक्ट होता है वही लोड होता है ऑटोमेटिकली. उसके बाद में आप लोगों को एचवी की स्विच ऑन करनी है, जिससे आपके एक्सरे चालू हो जाते हैं. अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअल सॉफ्टवेयर कैसे होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो
तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये वेन विंडो है, जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर ऑन करने के बाद हम लोगों को दिखाई देती है। तो इसमें सबसे टॉप में होता है एक टाइटल बार, जहाँ पे हम लोगों को जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसके नीचे होता है मेनू बार, जहाँ पे मेनू दिए रहते हैं, जैसे फाइल, वीडियो, प्रोडक्ट, कैलिब्रेट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेनूज होते हैं, जहाँ पे आपको सब फंक्शन, सॉफ्टवेयर के सब फंक्शन मिल जाते हैं। उसके बाद में होता है टूल बार। बेसिकली टूल बार जो होता है वो एक सीरीज ऑफ शॉर्टकट्स होता है। जो फंक्शन हम लोगों को मेनू बार में मिलते हैं, वही फंक्शन हम लोग यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट्स होते हैं जहाँ पे आपको लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तुरंत। सॉरी। प्रोडक्ट बार होता है, प्रोडक्ट बार में आप लोगों को जो प्रोडक्ट लोड होता है उसकी जो लोडेड प्रोडक्ट होता है वो मिलता है, जहाँ पे प्रोडक्ट नंबर और उसका जो नाम दिया होता है वो आपको दिखाई देता है। उसके बाद में होती है स्टेटिस्टिक्स फील्ड। स्टेटिस्टिक्स फील्ड में आप लोगों को सैंपल का मीन वैल्यू, देन स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके बाद में जो सैंपल आइडेंटिफिकेशन वगैरह, आप सैंपल को जो नाम वगैरह देते हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। कैलिब्रेशन स्टेटस लाइन, अगर आपका कोई प्रोडक्ट कैलिब्रेट है या नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन आपको उस कैलिब्रेशन स्टेटस लाइन में मिलती है। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे आपको सामने दिखाई देगा, छोटे से इसमें कैलिब्रेशन इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री, वहाँ पे आपको कैलिब्रेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो आपको स्क्रीन पे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो अभी कैलिब्रेटेड नहीं है, लेकिन आपके अगर जो प्रोडक्ट है वो अगर कैलिब्रेटेड रहेंगे तो वहाँ पे लिख के आता है कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड करके। उसके बाद में होती है मेजरमेंट फील्ड, जो एक्चुअल आप रिजल्ट या फिर मेजरमेंट लेते हैं उसके वन बाय वन रिजल्ट जो है आपको ये मेजरमेंट फील्ड में मिल जाते हैं। जो मेजरमेंट फील्ड होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो लिस्टिंग जो आप अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो, या फिर आपको सिंगल रीडिंग मिलता है जो जिसका सिंगल रीडिंग भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको तीन ही एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, जो तीन एलिमेंट उसका जो फॉन्ट होता है वो बड़ा होता है। देन आपको नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप लोगों को मेजरिंग डिस्टेंस, देन ऑपरेटर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, या फिर कम्युनिकेशन जो आपके सॉफ्टवेयर और इंस्ट्रूमेंट के बीच में चालू होता है उसका भी स्टेटस आपको मिल जाता है। ये स्टेटस बार के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन फील्ड होती है। इंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोगों का स्टार्ट, स्टॉप वगैरह बटन मिल जाते हैं। देन वीडियो विंडो होती है। वीडियो विंडो हम लोगों को ऑनलाइन सैम्पल का पिक्चर दिखाती है, जो सैम्पल आपने इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट के लिए रखा है उसकी इमेज आपको वीडियो विंडो में मिलती है। सो बेसिकली दिस इज द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर वेयर वी कैन सी अ टाइटल बार वेयर द प्रोडक्ट डायरेक्टरी इज अवेलेबल। देन वील सी द मेनू बार, द एक्चुअल मेनूज लाइक फाइल, वीडियो एंड डिफरेंट मेनूज आर अवेलेबल। देन बिलो दैट देर इज अ टूल बार। टूल बार इज नथिंग बट द शॉर्टकट कीज वेयर वी कैन directly access the function from this shortcut key. Then we can see the product bar where we can get the information of the product which is loaded and the number of that product. Then statistics field where we can get the mean value of the final block, then standard deviation and sample identification. Then the calibration status line. The calibration status line gives us the information that the product is calibrated or it is standard free or no calibration is used. Then we can find the measurement value field where we can get the values of the measured results one by one. This measurement field is of two types. One is listing, what you can see in the image is the measurement field with the listing parameter. While there is another type of measurement field which is showing single result with only three element, that is the first three element, and the font is big. Then we can see the status bar at the bottom side of the software. The status bar gives us the status of the instrument. We can see the information of status bar in the next slide. Then the instruction field. The instruction field is nothing but the instruction that has to be given to the instrument for measurement of the result and to stop the measurement in between. And the last window is the video window where we can see the online picture of the sample which is placed for the measurement.
So these are the same functions that I have given you. Now we'll move to the status bar. Basically, the status bar is located at the bottom of the WinFTM window, and the display is like this. So you can see the display here. So on the left hand side, you can get the help text like Windows. So you, when you press the F1 key, you will get the help window. And if you type the help, the help will be displayed. And when you go move to the right hand side, you can get the operator's name. When you put the operator's name in the sample identification window, that we'll see in the next slides. The operator's name can be seen in the status bar also. The zero you can see here, that denotes it is continuously flashing at 0101. So that gives us the status of the communication. If the communication is available, then the 0101 is continuously flashing. And if the communication is failed, you will get a message X-ray communication off. Next to that communication type, you will find the measuring distance. The measuring distance is nothing but the distance between the detector and the sample. And next to the measurement distance, there is a MQ value, which is the most important factor in the measurement system. So that we'll see in the next slide only. And on the status bar also, we can see the status of the numlock key and caps lock key. If the caps lock is on, you can see the cap coming on the status bar. And if the numlock is on, you can see the num or NUM is written on the status bar. So these are the available the status on the status bar. Sometimes it is also we can find the XY coordinates are available, but these XY coordinates are available in the instrument where the stage is motor driven. The sample is atomized, the sample table is atomized. So in that only you will get the XY coordinates. So we'll now see what is the MQ value, because the MQ value is the most important factor whenever you're testing the sample. Because if the MQ value is higher, you may find that the results are on are not accurate as per our requirement. So the MQ value is the measurement quality value, is the quality factor for the measurement, and it is displayed in the status bar. So the MQ value is a measure for agreement of the measured spectrum with the theoretical spectrum. Basically, whenever you are measuring any sample, the instrument calculates a theoretical spectrum in the background. And whenever the sample results are displayed, at that time, the actual measured spectrum and this theoretical spectrums are compared. And after comparison, this MQ value is calculated. So if the theoretical spectrum and the measured spectrum are same, then the MQ value is zero. So the optimal MQ value is actually zero, but due to some functions or some calculation, the MQ value is on higher side. And if the intensity of the instrument is on higher side, then also the MQ value is high. Now we can achieve a MQ value up to one in our instruments. So normally the MQ value is fluctuates between 1 to 2. So the general recommendation is given. The normal measurement range for the MQ is 0 to 5, and you can get the results when the MQ value is in between 0 to 5. And if the MQ value is greater than 5, then you cannot get the results, and there is a warning message occurred or displayed on the screen. So if the MQ value is higher than 5, then the display spectrum invalid is the message can see on the screen. So MQ value जो है वो एक important parameter होता है measurement के time पे. तो जैसे हम लोग measurement चालू करते हैं उस time पे, उस case में instrument एक theoretical spectrum generate करता है, जो fundamental parameters, एक technique होती है XRF की, जो खुद के
रिजल्ट कैलकुलेशंस के लिए होती है, वो कैलकुलेट करते रहता है। और उसके इसमें और दूसरा जो स्पेक्ट्रम जो आता है, जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम लोग मेजरमेंट सैंपल से जनरेट होता है, ये दोनों स्पेक्ट्रम एक्चुअली कंपेयर होते हैं। और कंपैरिजन में अगर कोई चेंज मिलता है तो एम क्यू वैल्यू हायर साइड में मिलती है। अगर ये दोनों स्पेक्ट्रम कंपेयर होते हैं तो उस केस में आपकी एम क्यू वैल्यू जीरो होती है। बट कोई पैरामीटर्स की कुछ पैरामीटर्स की वजह से या फिर इंटेंसिटी के डिफरेंस की वजह से आप लोगों के एम क्यू वैल्यू 1 से 2 के बीच में आ सकती है। तो अगर जनरल रिकमेंडेशन देखेंगे तो एम क्यू वैल्यू 0 से 5 के बीच में वेरी होती है, और उस केस में आपको नॉर्मल मेजरमेंट रिजल्ट मिलते हैं। बट अगर अगर आपके एम क्यू वैल्यू 5 से अगर बढ़ जाती है तो उस केस में आपको मेजरमेंट रिजल्ट नहीं दिखाई देते हैं और आपको एरर मैसेज आता है स्पेक्ट्रम इनवैलिड करके। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि एम क्यू वैल्यू ज़्यादा आने के क्या रीजंस होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग सैंपल का प्लेसमेंट अगर प्रॉपर नहीं करते उस केस में भी आप लोगों को एम क्यू वैल्यू बढ़ सकती है। अगर आपका जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो अगर रॉन्ग टाइप का हो, या फिर जो मेजरमेंट का सैंपल आप लोगों को समझ लीजिए सिल्वर का है और आप गोल्ड के प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं, उस केस में भी आपकी एम क्यू वैल्यू ज़्यादा आ सकती है। या फिर आपके सैंपल प्लेसमेंट या फिर शेडिंग का कोई इफेक्ट रहेगा, उस केस में भी आप लोगों को सैंपल पोजिशन एम क्यू वैल्यू की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है सॉफ्टवेयर का। तो उस केस में आप देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके डिटेल में हम लोगों को जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से जो फंक्शंस है वो हम रेयरली यूज़ करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट मेनू फंक्शंस दैट आर अवेलेबल इन द सॉफ्टवेयर, बट वी हैव वेरी सेल्डम यूज दिस फंक्शंस। तो हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करते हैं, और इसमें से इम्पोर्टेंट फंक्शन सिर्फ जनरल में अवेलेबल होते हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो बेसिकली जनरल में जाने के बाद आप लोगों का कम्युनिकेशन ऑन एंड रेफरेंस मेजरमेंट, ये दो फंक्शन लगते हैं। अगर किसी कारणवश आपके मशीन में कम्युनिकेशन बंद हो जाते हैं, उस केस में आपको जनरल में जाके कम्युनिकेशन ऑन करना है, उससे आपका जो कम्युनिकेशन है फिर से चालू हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट होता है रेफरेंस मेजरमेंट। तो हम लोग रेफरेंस मेजरमेंट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो बेसिकली जैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं तो वार्म अप सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब जब तक वार्म अप नहीं होता है तब तक उसमें से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो जनरली वार्म अप का जो टाइमिंग है वो 15 मिनट से लेके 30 मिनट का होता है। तो बेसिकली ये प्रोसीजर दी गई है जिससे आप वार्म अप कर सकते हैं। सो बेसिकली वेन एवर यू आर यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द वार्मिंग अप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये अ प्रॉपरली वार्म अप इंस्ट्रूमेंट गिव्स यू अ प्रॉपर रिजल्ट, अदरवाइज देर मस्ट बी सम डिफरेंसेस इन द रिजल्ट। सो दिस इज द प्रोसीजर टू यूज और वार्म अप द इंस्ट्रूमेंट। द वार्म अप पीरियड इज रेंजिंग फ्रॉम 15 मिनट टू 30 मिनट, बट वी जनरली रिकमेंड टू यूज अ 30 मिनट्स ऑफ वार्म अप फॉर द इंस्ट्रूमेंट डेट गिव्स अ गुड रिजल्ट। सो बेसिकली दिस इज द प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो एट द टाइम ऑफ वार्म अप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और जनरली वी आर प्रोवाइडिंग अ वार्म अप प्रोडक्ट दैट इज टू बी डायरेक्टली लोडेड फ्रॉम द शॉर्टकट्स एंड यू कैन वार्म अप द इंस्ट्रूमेंट। सो बेसिकली रेफरेंस मेजरमेंट, सो रेफरेंस मेजरमेंट इज अ डेली टास्क दैट मॉनिटर्स द इंस्ट्रूमेंट, and if there is a drift in the instrument that drift can be calculated and reset using this reference measurement. For the reference measurement we required a sample plate which is given given with the instrument, and from that reference from that plate you have to use a silver and copper element. So whenever you are doing a reference measurement, then the instrument checks for the silver element and the energy line of silver. And if there is a drift in the silver energy line, that drift is calculated and reset properly.
Again, the copper element is measured. That copper element and silver element, the energy lines between the silver and copper is measured, and if there is a drift, that drift is also calculated. So this is the basically procedure for reference measurement that you have to follow on daily basis. The reference measurement window generally gives us the detector voltage and measurement time of the reference and the set value. The set value is continuously changing till the time the detector voltage not reaches to the set value. So ये एक्चुअल मेजरमेंट की प्रोसीजर है कि आपको मेजरमेंट कैसे स्टार्ट करनी है, कि जैसे ही मेजरमेंट स्टार्ट करनी है आप लोगों को इंश्योर करना है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली स्टेबलाइज्ड है और वार्म अप वगैरह प्रोसीजर प्रॉपरली किए गए हैं, उसके बाद में ही आप लोगों ने मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। सिलेक्ट फंक्शन से आप लोग जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो लोड कर सकते हैं, उसके बाद में आप स्टार्ट बटन पे सैंपल को प्लेस करना है, उसके बाद में आपको उसको प्रॉपरली फोकस करना है। प्रॉपरली फोकस करने के बाद जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे प्री डिफाइंड टाइम के लिए मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद में आपको सैंपल के रिजल्ट मिल जाएंगे। जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक सैंपल के ऊपर 2 या 3 रिजल्ट लेके उसका एवरेज मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है। अगर आपको कोई रिजल्ट डिलीट करना है तो जो स्टैटिस्टिक्स फील्ड में आपको रिजल्ट मिलते हैं उस रिजल्ट्स को सिलेक्ट करिए और उसके बाद में डिलीट की या फिर इवेल्युएशन में डिलीट ट्रेडिंग करके बटन होता है, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं कोई भी रिजल्ट्स को। अगर आपको सारे के सारे रिजल्ट डिलीट करने हैं कोई भी प्रोडक्ट्स के लिए, तो उस केस में आपको सब मेनू इवेल्युएशन मेनू में जाके डिलीट ऑल मेजर डेटा सब मेनू जो है वो यूज़ करके आप पूरा डाटा डिलीट कर सकते हैं। इन केस अगर आपसे कोई रिजल्ट डिलीट हो जाता है तो उसको अनडिलीट करने की भी फैसिलिटी अपने सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। तो जैसे आप कोई सैंपल डिलीट करते रिजल्ट डिलीट करते हैं, उस केस में अगर आपको वो रिट्राइव करना है तो उस केस में आप इवेल्युएशन में जाके अनडिलीट रीडिंग करेंगे तो आपका सैंपल का रिजल्ट वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई भी जो प्रोडक्ट ओपन है उसका लास्ट रीडिंग अगर आपसे डिलीट हो जाता है तो आप रिट्राइव नहीं कर सकते, वो मेमोरी से निकल जाता है। सो सैंपल आइडेंटिफिकेशन डालने के लिए आपके लिए एक ऑल्टर नंबर ऑपरेटर करके बटन दी होती है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सैंपल नंबर का सैंपल आइडेंटिफिकेशन का विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें फिर आप एंट्रीज करने के बाद आप लोगों को वो स्टैटिस्टिक्स फील्ड में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, वही आपको प्रिंटआउट में भी मिल सकता है। अगर रीडिंग कोई प्रिंट करने हैं आप लोगों को तो उस केस में मेजरमेंट करने के बाद आपको स्टैटिस्टिक्स विंडो में रिजल्ट दिखाई देंगे, उसके बाद में आप ब्लॉक इवेल्युएशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट फॉर्म दिखाई देगा, और जैसे ही आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे उस केस में आपको प्रिंटर में प्रिंटिंग आ जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको मेजरमेंट टाइम कैसे चेंज करना है, मेजरमेंट का यूनिट कैसे चेंज करना है और डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है वो कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको मेन विंडो में इन्फो करके एक बटन होता है राइट हैंड साइड में, तो उस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई प्रोडक्ट की विंडो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको मेजरमेंट टाइम चेंज करने की फैसिलिटी होती है। जैसे मैंने आप स्क्रीन पे दिखाया है तो आप यहाँ पे अलग अलग इसमें जाके उसका टाइम नंबर ऑफ मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। फाइनली हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कैसे करना है। जनरली जो प्रोसीजर फॉलो करनी है उस टाइप में है कि सबसे पहले आप लोगों को एचवी की ऑन करनी है जिससे आप लोगों के एक्सरे बंद हो जाएंगे, उसके बाद में सॉफ्टवेयर क्लोज करना है, उसके बाद में कंप्यूटर बंद करेंगे। कंप्यूटर बंद करने के लिए स्टार्ट मेनू में जाके शट डाउन करेंगे और उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट स्विच ऑफ करेंगे। जो सामने फ्रंट पैनल पे पावर ऑन की दी होती है उसको 10 सेकंड प्रेस करके रखने के बाद आपका इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपको मॉनिटर और प्रिंटर स्विच ऑफ करना है। सो
That's all for today. Thank you. So if